बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई फ्री की जो बिटकॉइन माइनिंग में, और ये जो वेबसाइट है और ये जो एप्लीकेशन है ये तकरीबन 2 साल पुरानी है और अभी तक भी ये विड्रॉ अपना दे रही है। ठीक है, जस्ट आपको दिल लगा के काम कर रहे हैं, जस्ट आपको 2 घंटे बाद आके यहाँ पर माइनिंग को दोबारा से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कौन सी है? वो एप्लीकेशन है क्रिप्टो टैब ब्राउज़र। ठीक है, तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसके 3 से 4 वर्ज़न है। ठीक है, आपको कौन सा वर्ज़न करना है? आपको वो वर्ज़न करना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वाला और लाइट वर्ज़न। ठीक है, इसमें होता यह है कि आपको फ्री में माइनिंग होगी, बाकी जो आप डाउनलोड करेंगे उसकी या तो माइनिंग स्पीड कम होगी या फिर वो पेड है। ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इस चक्कर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, आपके सामने इंटरफेस आएगा साइन इन का एंड साइन अप का। साइन अप पर क्लिक करके आपने एक जीमेल पर क्लिक करना है, तो आपकी जितने भी जीमेल होंगी शो हो जाएंगे। एक जीमेल पे क्लिक करके आपने जस्ट साइन अप कर लेना है। ठीक है, जैसे साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे जो साइड पे यहाँ पे जो क्रिप्टो टैब का यहाँ पे जी लोगो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपने करना होगा क्रिप्टो टैब डैशबोर्ड पर क्लिक। ठीक है, जब ये काम आप कर लेंगे, ये काम करने के बाद जब आपका साइन अप हो जाए, फिर आपने प्ले स्टोर पर चला जाना है और वहाँ से जी आपने डाउनलोड कर लेना है CTVPN। ठीक है, अभी आप कह रहे होंगे कि भाई CTVPN का क्या फ़ायदा है और उससे हमें ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? उसका बेनिफिट ये है कि ये जो ब्राउज़र है ये आपको देता है सिर्फ और सिर्फ 300 गीगा हैशेज़। ठीक है, गीगा हैशेज़ अभी क्या है? गीगा हैशेज़ होती है आपकी माइनिंग स्पीड। ठीक है, ये देगा आपको 300। अगर आप CTVPN यूज़ करते हैं, गेट 1000 यहाँ पर जो लिखा है 1000 हैशेज़ विथ CTVPN, अगर आप CTVPN करते हैं तो उसके साथ आपको 1000 गीगा हैश मिलेंगे, जिससे जो है आपकी माइनिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, 300 और 1000 में देखें 700 पॉइंट आपको ज़्यादा गीगा हैश मिल जाएंगे, सिर्फ VPN डाउनलोड करना है। और यहाँ पे अगर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि वहाँ पे जाके उसको जो है पहले एक्टिव करें। ठीक है, कनेक्ट एनी VPN लोकेशन ऑफ यूर चॉइस, एक्टिवेट स्पेशल प्लान फ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ मेरे पास जो है कुछ लोडिंग करेगा, लोडिंग के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पे आपसे जब भी एक्सेस मांगे तो आपने एक्सेस को अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद जैसे आप अलाउ करेंगे तो नीचे कुछ फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, उसमें आपसे मांगेगा कि आपने कौन से ब्राउज़र पर जो है इसको सेट करना है। तो आपने जस्ट वहाँ पर सेट कर लेना होगा चेंज टू लाइट, यहाँ पर चेंज टू लाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो है यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट मांग रहा है, तो मैंने इसको बैक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से जो ब्राउज़र से मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने टैब ब्राउज़र यहाँ पे लाइट को ओके करना है, एंड ऊपर जो है यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं डिस कनेक्ट। तो इसको कनेक्ट करना है, बाद इसको कनेक्ट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जस्ट एक दफ़ा आपको कनेक्ट करना लाजमी होता है ताकि आपका जो ब्राउज़र है उसमें ये ऐड हो जाए। तो यहाँ पे जी हम बैक आ जाते हैं दोबारा से, जो है हम अब जो है यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे। जब आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप VPN को भी बंद कर लें। अच्छा ये है कि आप VPN को एक दफ़ा ओपन करें और फिर जो है यहाँ पे ब्राउज़र पे हैं वहाँ पे माइनिंग को एक्टिव करें एंड दोबारा जो है VPN को ऑफ कर दें। VPN इनका अपना VPN है, उस पर भी इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है VPN पे, तो इस तरह से जो है इनको डबल अर्निंग होती रहती है, तो इस वजह से जो इन्होंने VPN वाला चक्कर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा जी डैशबोर्ड पर जाते हैं। ठीक हो गया जी, जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऊपर एक्टिव 300 आ रहा है एंड नीचे जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है एक्टिवेट जो है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं इसको 1000 वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जी दोबारा मुझे कह रहा है कि वहाँ पे जाके VPN को लगा दें। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा VPN ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा थोड़ा। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो VPN है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है कुछ, तो जस्ट हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एंड फिलहाल जो है मैं आपको जब दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जस्ट VPN अभी थोड़ा इशू कर रहा है, ऊपर भी एक्टिवेट है, लेकिन जब मैं एक्टिवेट भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से मुझे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन शो करा देता है ये सारा। ठीक है, मसला हमारे लिए खड़ा कर देता है यहाँ पर। तो चलो ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड एक्टिवेट जो 300 वाला यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पे जी गेट 1000 जो है यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दोबारा उस पर ले जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है। फिलहाल मैं ये करता हूँ, लेकिन अगर आप जो तरीका मैंने बताया है 1000 गीगा हैश उसी तरह ही आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा VPN यहाँ पे थोड़ा स्टेबल नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्टिवेट 300
एंड यहाँ भी करूँगा एक्टिव 300 और फिर जो आपके सामने कुछ इस तरह का एक ये वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो आपने वेरिफिकेशन करना है एंड वेरिफिकेशन के बाद जो है आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं वीपीएन को ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप वीपीएन सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ और ये फिल करने के बाद जो है हमारा डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी माइनिंग जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक तो हो गई ये, अब 1000 GHz भी आपको मिलेंगे जो तरीका मैंने बताया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वीपीएन का मसला है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो इसके बाद अभी विड्रा का क्या सीन है, विड्रा का ये सीन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 बार पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यू कैन यूज़ सेम अकाउंट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। मज़े की बात इसकी ये है कि आपके पास जितने भी मोबाइल हैं, 10 हैं 20 हैं 50 हैं 100 हैं, जितने भी मोबाइल हैं आपके पास, आपने जस्ट उस पर अपनी जीमेल लॉगिन करनी है और मल्टीपल अकाउंट पे आप चला सकते हैं इसको। सोच लें अगर आपने 100 बंदा भी कवर कर लिया माइनिंग का, तो डेली के आपके $10, $5, $7 तो पक्के हैं, ठीक है। तो बस आप जल्दी से जल्दी, आपके सिस्टर का फ़ोन है, आपके भाई का फ़ोन है, वालिद का है, वालदा मोहतरमा का है, जिसका भी, आप उस पर इसको अपनी लॉगिन करके जीमेल और उसको जो है बता के इस तरह जो है हर 2 घंटे बाद आपकी इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो आपकी काफ़ी अच्छी माइनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब क्या है, एफिलिएट प्रोग्राम भी है, आप रेफर के ज़रिए भी अर्निंग कर सकते हैं। एंड जो दूसरा इसका है विड्रा का जो सीन है, तो इसका विड्रा का क्या सीन है, मैं इसको जी चेक करा देता हूँ आप भाइयों को कि इसका विड्रा का क्या सीन है। मैं इसको करता हूँ एंड व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें जो है कुछ और जो है यहाँ पे ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विड्रा हम कुछ नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप इसमें लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसी वॉलेट में, तो ये इंस्टेंट देंगे आपको। अगर किसी और वॉलेट में लेंगे तो फिर भी आपको 4 से 5 जो है मिनट लग सकते हैं, ठीक है। क्रिएट वॉलेट इसको छोड़ते, अभी जो मेरे पास बैलेंस है 0.15 खड़ा है। यहाँ मैंने काफ़ी पहले जो है यहाँ पे जो है इसकी अर्निंग स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में जो है यहाँ मैंने थोड़ा स्किप कर गया था, 1 साल 1.5 साल, ये तकरीबन 2.5 साल पुरानी जो है वेबसाइट और ऐप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विड्रा BTC, विड्रा BTC पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका कम से कम जो विड्रा है मेरे ख्याल में वो 0.0001 है, मतलब कि $2 से $2.5 के दरमियान आप इसका विड्रा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं विड्रा पर मैंने क्लिक कर दिया है और कुछ जो है यहाँ पर लोडिंग के बाद हमारे पास सामने जो है विड्रा का जो यहाँ पर टेबल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इस ब्राउज़र को ट्राई किया है कि इसको रिफ़्रेश भी करके देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो विड्रा का ऑप्शन है नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि इनकी जो ऐप है या फिर इनकी वेबसाइट है वो फ़िलहाल जो है थोड़ी सी इन्होंने मेंटेनेंस पे डाली है, इस वजह से इनकी ऐप जो है बहुत स्लो काम कर रही है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे विड्रा का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर ऊपर आएगा वॉलेट एड्रेस, आपने बाइनांस से उठाना है, ट्रस्ट वॉलेट जहाँ से भी उठाना है वहाँ से वॉलेट एड्रेस उठाना है, यहाँ पे पुट करके नीचे सारी अमाउंट लिख देनी है और विड्रा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपका जो है पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग में जाने के बाद आपको ये तकरीबन रिसीव होगा 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये रिसीव हो जाएगा। अगर आप एनसी जो इनका वॉलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं तो फिर जो है आपको इंस्टेंट मिलेगा, इधर लगाएंगे उधर 1 ही सेकंड में आप तक पहुँच जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं कि जब भी मैं आपको ये समझा रहा था तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है ऐसा ऐसा, यहाँ पर लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रहा है, पता नहीं कि इस पर अभी इतना ज़्यादा क्यों इशू बन रहा है, मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये क्या सीन होने वाला है इसके साथ। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, आज क्या सीन आ गया भाई, ये और नई नई चीज़ें ओपन क्यों हो रही हैं आज। यहाँ पे जी डू नॉट हैव एनफ BTC, तो यहाँ पे जी क्या करना है, पेमेंट से यहाँ मेरे पास अभी BTC है नहीं, अगर मेरे पास BTC आ जाएंगे तो फिर मेरे से सामने जहाँ पे टेबल ओपन होगी, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है यहाँ पे 0.401 आप कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने USDT या फिर कितने डॉलर बनते हैं। तो आपको जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, जस्ट आपने यहाँ पे रेफर बनाने हैं एंड जितने भी मोबाइल है मल्टीपल अकाउंट आप यहाँ पे आके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।